मैं जी सी शुक्ला, संस्कृत अध्यापक। मैं तुम्हें पाठ 10 ज्ञान गंगा, ये पाठ का नाम है। इस पाठ में पूरा श्लोक ही दिया गया है, इसे हम पढ़ करके अर्थ बता रहे हैं। इस पाठ को ध्यान से सुने। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाणी बोलने से सर्वे सभी जंतवः प्राणी तुष्यन्ति खुश होते हैं। प्रिय वचन या प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम प्रिय वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता, वाणी में कैसी दृढ़ता, पूरे कर देखें। प्रिय वाणी या प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, इसलिए प्रिय वाणी ही बोलना चाहिए। वाणी में कौन सी दृढ़ता है? दूसरा श्लोक देखें। मनीषिण संत न ते हितैषिण, हितैषिण संति न ते मनीषिण, सुरहिच विद्वानपि दुर्लभो नृणाम यथौषधम स्वादुहितं च दुर्लभम। मनीषिण संति विद्वान हैं ते न हितैषिण, वे हित चाहने वाले नहीं हैं, अर्थात हितैषी नहीं हैं। हितैषिण संति हितैषी हैं, हित चाहने वाले हैं, न ते मनीषिण किंतु विद्वान नहीं हैं। सुरहिच विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, तो पढ़ाई न पाओ फिर गड़बड़ा गई, टच कर जाता है। ये सब कहाँ कहा जा रहा है? अरे पता नहीं, दिक्कत है। फिर शुरू करें ना। मनीषण है संत नित्य हितैषण है, हितैषण है संत नित्य मनीषण है, सुरहिच विद्वानपि दुर्लभो नृणाम यथौषधम स्वादहितं दुर्लभम। एक बार इस अर्थ को फिर से देख लें। मनीषण है संति विद्वान हैं, न ते हितैषण है, हित चाहने वाले नहीं हैं। हितैषण है संति हित चाहने वाले हैं, न ते मनीषण है विद्वान नहीं हैं। सुरहिच विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, सुरहिच सुरहित माने मित्र, क्षया माने और, विद्वानपि विद्वान भी दुर्लभ कठिन होते हैं नृणाम मनुष्य को। मनुष्य को अच्छे मित्र और विद्वान कठिनता से प्राप्त होते हैं। यथौषधम यथाधन औषधम, जिस प्रकार से स्वादु औषधम स्वादिष्ट औषधि या दवा, हितम च दुर्लभम और हितकारी वचन दुर्लभ होते हैं। पूरे कर देखें। विद्वान हैं किंतु हितैषी नहीं हैं, हितैषी हैं किंतु विद्वान नहीं हैं। इस प्रकार से मनुष्य को अच्छे मित्र और विद्वान बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से स्वादिष्ट औषधि और हितकर वचन कठिनता से प्राप्त होते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियं, प्रियंच नानितं ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, प्रियं ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्यम न ब्रूयात् अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियंच प्रियं धनच नानितं न धन अनितं, अनितं झूठा, अप्रियं प्रिय न माने नहीं और झूठा प्रिय नहीं ब्रूयात् बोलना चाहिए। ऐसा धर्म है सनातन है, यही सनातन धर्म है। पूरे का अर्थ देख लें। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और झूठा
प्रिय नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। धीमताम बुद्धिमान लोग कालह समय को काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति काव्य शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत करते हैं। बुद्धिमान लोग अपने समय को काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत करते हैं, किंतु व्यसनेन च मूर्खाणाम, किंतु मूर्ख लोग अपने समय को व्यसनेन गंदी आदतों में, निद्रा नींद में, कलहेन वा अथवा झगड़े में व्यतीत करते हैं। बुद्धिमान लोग अपने समय को काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत करते हैं, किंतु मूर्ख लोग अपने समय को गंदी आदतों में, नींद में और झगड़े में व्यतीत करते हैं। यदि सत्संगतृतो भविष्यसि भविष्यसि तथा दुर्जन संसर्गे पतिष्यति पतिष्यसि। पांचवें श्लोक में बता रहे हैं कि यदि सत्संगति रतो भविष्यसि, यदि अच्छी संगत करोगे या अच्छी संगत में रहोगे तो भविष्यसि, भविष्य दो बार आया है, दूसरे भविष्य का अर्थ होगा उन्नत के को प्राप्त करोगे अर्थात विकास करोगे। यदि अच्छी संगत में रहोगे, अच्छी संगत करोगे तो विकास करोगे या उन्नत को प्राप्त करोगे। तथा दुर्जन संसर्गे प्रतिष्ठसि प्रतिष्ठसि, अगर दुष्ट की संगत करोगे, दुष्ट के साथ रहोगे तो औन्नत को प्राप्त करोगे। इसलिए हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए जिससे जीवन सफल हो। छठा श्लोक देखें। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कार्याणि उद्यमेन सिद्धन्ति, कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं, मनोरथै न इच्छा करने से नहीं। असुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुखे मुख में मृगाः न प्रविशन्ति, हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। सातवें का श्लोक कर देखें। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम्। अभिवादन प्रणाम करना, नमन करना अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों को प्रणाम करने से नित्य वृद्धोप सेविनः, नित्य प्रतिदिन, वृद्ध उपसेविनः, वृद्ध माने बूढ़े व्यक्ति की, सेविनः सेवा करने से चत्वारि चार तस्य उस व्यक्ति के वर्धन्ते बढ़ते हैं आयु विद्या यशौर बल। जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है तथा नित्य वृद्ध की सेवा करता है उस व्यक्ति की चार चीज़ें बढ़ती हैं आयु विद्या यश और बल। इसी तरह से श्लोक पढ़ करके अर्थ भी पढ़ेंगे और इस पाठ को तैयार करके रखिएगा, छमाही परीक्षा में इस पाठ का श्लोक आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर दोहरा